क्या आपने प्याज बिना जलाए कीमा आलू मटर की रेसिपी बनाई है? तो नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइए, इस रेसिपी को ट्राई करिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कीमा आलू मटर की रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है कुकर, इसके अंदर हम डाल देंगे तेल। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी का टुकड़ा है, 4-5 मैंने यहाँ पर ली छोटी इलायची और 3-4 मैंने लौंग ली है। अब इन सबको हम डाल देंगे तेल के अंदर, हल्का सा इसको हम 30 सेकंड के लिए भून लेंगे खड़े मसाले को। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे, मैंने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच डालेंगे इसके अंदर भरकर। और इसे हम डालने के बाद करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से हम इस अदरक लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और बनने में भी ये टाइम नहीं लगता है और खाने में ही उतना ही टेस्टी लगता है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से ये अदरक लहसुन भुन गया है। अब इस टाइम पे हम डाल देंगे इसके अंदर कीमा। कीमा मैंने यहाँ पे 1 kg करीब लिया है, इसे डाल देंगे और कीमा डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन के अंदर। करीब 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से इसके अंदर भून लेंगे हम। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से मैंने यहाँ पे कीमा को 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लिया है। अब कलर भी देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। इस टाइम पे हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज। तो यहाँ पे हम भरकर डालेंगे इसके अंदर 2 कप के करीब प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े प्याज को चॉप कर लिया है, इसे डालेंगे। साथ ही साथ इसमें हम हरा मिर्ची डाल देंगे, तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। आप सब बिना प्याज जलाए भी बहुत ही टेस्टी कीमा मटर की रेसिपी बना सकते हैं और आपको टाइम भी बचेगा और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाएगा। और मैंने यहाँ जैसे कि देख रहे हैं 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे यहाँ पे अच्छे से मैंने प्याज और कीमा को अच्छे से मिक्स कर लिया है, यानी कि भून लिया है। अब इस टाइम पे हम डाल देंगे इसके अंदर मसाले। मसाला में हमने नॉर्मल ही मसाला घर का लिया है जो रोज रेगुलर यूज करते हैं। तो 1 चम्मच मैंने भरकर लिया है जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और गर्म मसाला साथ ही साथ हम डाल देंगे इसके अंदर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है इसके अंदर। साथ ही साथ हम डाल देंगे इसके अंदर 1 कप भरकर टमाटर डाल देंगे इसके अंदर और सब तमाम चीज़ों को अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से भून लेना है हाई फ्लेम पे। तो अच्छे से जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे ले लिया है दही। ये दही आप डालें ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दही ले लिया है, इसे डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे दही को डाल करके, क्योंकि दही का पानी भी और रिलीज होता है। तो हाई फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से ढक्कन ऊपर से ही लगा लेंगे, इसको सीटी नहीं लगाना, ऊपर से ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने देंगे। देख सकते हैं अच्छे से ये सूख चुका है, अच्छे से भुन गया है कीमा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटर, मैंने फ्रेश मटर लिया है, इसे डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 2-3 आलू को यहाँ पे मोटे मोटे मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, इसे डाल देंगे और इसको अच्छे से हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है हमें। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे ले लिया है कसूरी मेथी, इसे डालेंगे। ये आपका कीमा मटर में टेस्ट और भी बढ़ा देगा, तो इसमें ज़रूर डालें क्रश करके अच्छे से। यहाँ पे अच्छे से डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए और साथ ही साथ हम इसको मिलाने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 1 कप करीब पानी डालेंगे इसके अंदर और पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें ढक्कन लगा लेना है और बस 1 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे। तो चलिए जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सीटी यहाँ पे 1 लग चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कीमा मटर आलू की रेसिपी बनकर रेडी है। अब इसे धनिया पत्ता डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और इसे गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो 1 प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बनकर यहाँ पे टेस्टी सा कीमा मटर की रेसिपी बनकर रेडी है। अब इसको हम धनिया पत्ता से थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बनकर रेडी है, आप भी ट्राई करिए बिना झंझट के, बिना प्याज जलाए। बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हैं अपने घरों में कीमा आलू मटर की रेसिपी। तो बनाइए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।